नमस्कार। IBN 7 के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मसंद। एक ऐसी आवाज जिसने 6 दशकों तक संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है, वो आवाज जिसने दुनिया भर के लोगों को कभी हंसाया तो कभी रुलाया है, जिसे सुनकर कभी प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आए तो कभी सरहद पर जवानों को हौसला मिला। वो आवाज है देश की आवाज, यानी कि वॉइस ऑफ इंडिया, यानी कि महान गायिका लता मंगेशकर। दादा दीदी, वेलकम टू द शो। आपका स्वागत है इस शो में। आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा आपकी। थैंक यू दीदी। साथ ही इस शो में आज हमारे साथ है एक बहुत ही खूबसूरत ऑडियंस, जिन्हें मौका मिलेगा दीदी के साथ कुछ बातचीत करने का, उन्हें कुछ सवाल पूछने का। दीदी, इस साल हम अपने स्वतंत्रता के 60 साल पूरे कर रहे हैं। इन सालों में बहुत कुछ बदला है, कंपोजर्स आए हैं गए हैं, बहुत सारा समय बीता है, लोगों के टेस्ट बदल चुके हैं। इन सभी सालों में, इस वक्त में अगर कुछ कांस्टेंट रहा है तो वो सिर्फ लता मंगेशकर और लता मंगेशकर की आवाज। बताइए, आपने अपने आवाज को, अपनी गायकी को किस तरह से अडेप्ट किया लोगों के टेस्ट को ध्यान में रखते हुए या फिर बदलते समय के साथ? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो मेरी आवाज है, ये भगवान की देन है, और भगवान की देन है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है कि अभी तक मेरी आवाज़ ठीक है और मैं गा सकती हूँ। अब बदलाव तो आता ही रहता है, और जो हम लोगों ने 40s में शुरू किया है काम, उस वक्त जो म्यूज़िक था वो बदलता रहा, और आज जाके म्यूज़िक का एक अलग ही बिल्कुल ये जम हो गया है, क्योंकि म्यूज़िक अभी वैसा म्यूजिक नहीं रहा जैसे पहले कभी था जी। मतलब 60s और 70s में जो था जी, जिसे हम गोल्डन ईरा कहते हैं सिनेमा का या म्यूजिक का, वो अब उतना सुनने को नहीं मिलता है। तो उसके साथ मैंने अपने आप को भी ढाला, मतलब जैसा म्यूजिक आया वैसे मैंने गाने की कोशिश की जी। दीदी, आपने गजल गाए हैं, भजन गाए हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, लेकिन शायद सबसे पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर शायद हिंदी गाने ही रहे हैं, हिंदी फिल्म गाने रहे हैं, ये आप मानेंगे? जी हाँ, हिंदी गाने रहे हैं, इसलिए कि अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर के गाने आए, अलग अलग फिल्में बनी, और उस वजह से लोगों को जो अलग अलग म्यूजिक आया वो अच्छा लगा जी और पॉपुलर रहा, इसमें कोई शक नहीं जी। अब मधुबाला से लेकर शायद करीना कपूर तक आपने सभी एक्ट्रेसेस के लिए गाया है, सभी एक्ट्रेसेस को अपनी आवाज दी है। शायद आपकी सबसे पहले हिट गानों में से थी मधुबाला के लिए जो आपने गाना गाया, 1949 की फिल्म महल में आएगा आने वाला। जी हाँ, आएगा आने वाला। चलिए आपको एक मेमोरी लेन पर लेके जाते हैं, आपको वो गाना, उस गाने की एक झलक दिखाते हैं। जरूर जी। दीदी, आपने हमेशा कहा कि वो आपके सबसे पसंदीदा गानों में से एक है, क्या अभी भी आप वही मानती हैं? जी हाँ, मैं वही मानती हूँ। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये गाना जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो आप सोच नहीं सकते ऐसे रिकॉर्ड हुआ था कि मुझे जो पहला इसका शेर आता है जी, तो उस शेर के वक्त क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम लोगों को ऐसे चाहिए कि दूर से आवाज़ आती है, तब रिकॉर्डिंग में
इतना ये नहीं था जो आज है जी। आज कुछ भी रिकॉर्ड हो सकता है। बिल्कुल, आज की टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही अलग है। मुझे उन्होंने समझ लीजिए, अभी वहाँ माइक्रोफोन यहाँ है और मुझे खड़ा किया वहाँ दूर, और वहाँ से मैंने गाना शुरू किया शेर जी। और गाते हुए मैं आहिस्ता 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 चल के आई, और जहाँ आएगा आने वाला आता है वहाँ मैं माइक के पास आके आएगा आने वाला गाया जी। तो ये मेरा ख्याल कुछ 20-25 मर्तबा मुझे करना पड़ा जी। कि मैं वहाँ से चल चल के आती थी और गाती थी, फिर वो कहते थे नहीं 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 अभी वो ठीक नहीं हुआ है, फिर से करो, मतलब इस तरह से। तो कितने टेक हुए इस गाने के शायद जी? कितने टेक हुए इस गाने के दीदी? गाने के टेक तो मेरा ख्याल से उस वक्त ऐसे होता था कभी 20 कभी 22 कभी 28, मतलब रिकॉर्डिंग तो गाने के साथ थोड़ा एक्सरसाइज भी हो गया जैसे। एक्सरसाइज भी हुआ और एक एक अंदर से डर भी था कि बराबर उस वक्त लास्ट लाइन पे वहाँ पहुँचना है जी। और गाते हुए चलना मुश्किल काम है जी। मतलब मुझे नहीं आता है, खड़े होके गाऊं तो मैं गा सकती हूँ, पर चल के गाऊं ये थोड़ा मुश्किल था, पर वो करना पड़ा और इसलिए वो गाना याद रहा। हमारे पास एक सवाल है अर्चना पारुलकर से। आमतौर पे ऐसे कहा जाता है कि कलाकार जो गाने वाला कलाकार उसका व्यक्तिमत्व उसका स्वभाव ये सब उसके गाने में प्रतिबिंबित होता है और उसका गाने के परफॉर्मेंस पे थोड़ा असर तो होता ही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि ये कहना सही है, क्योंकि इंसान जो होता है उसके अंदर जो जो भावनाएं होती हैं वो उसके म्यूजिक में ज़रूर नज़र आती है, ज़रूर गाने में। मतलब मैं जब गाती हूँ तो ऐसे गाने मेरे पास पहले आया करते थे जो मतलब थोड़े चीप टाइप के गाने वगैरह, डांस के गाने, तो मैं साफ कहती थी कि मैं गाऊंगी नहीं। तो ये अंदर जो होता है आदमी का सोचना वो उसके म्यूजिक पे ज़रूर असर करता है। चलिए इस वक्त हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, वी आर गोइंग टू अ शॉर्ट ब्रेक, व्हेन वी कम बैक वी विल कंटिन्यू टॉकिंग विद लता मंगेशकर। वेलकम बैक टू आवर स्पेशल शो ऑन इंडियाज़ म्यूजिकल लेजेंड द वन एंड ओनली लता मंगेशकर। दीदी 50 के दशक में आपने शायद सभी टॉप के म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया जी। शंकर जयकिशन हो, एस डी बर्मन साहब, नौशाद साहब, सी रामचंद्रन, हेमंत, सभी के साथ आपने काम किया। आप इन सभी की फेवरेट थी, क्या इस वजह से उनके बीच थोड़ी राइवलरी, प्रोफेशनल राइवलरी, जेलसी नहीं हुई कि आप सभी के साथ काम करती थी? ये कहना मुश्किल है क्योंकि इतना ध्यान देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। अब बहुत बिजी थी उन दिनों, बहुत ज्यादा बिजी थी मैं, और सारे काम मेरे पास ही थे जी। ज्यादातर मेरे पास काम होते थे और ये सब सोचने का मुझे टाइम भी नहीं मिलता था। और दूसरी बात, मैं आपको बात बताऊं कि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं इन बातों में ध्यान नहीं देती हूँ। अगर किसी को दुख है मेरे से तो मुझे उसकी मुझे अच्छा नहीं लगेगा जी। और अगर लोग मुझसे खुश हैं तो मैं खुश हूँ जी। तो जी। मैंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। बाकी जो गायिका होती थी वो कभी जल्दी थी? बहुत पूरा काम तो आपके पास था। अब मालूम नहीं जलती होंगी, पर मेरे सामने तो किसी ने नहीं, नहीं किया जी, जी। तो आपके सबसे फेवरेट कंपोजर उस वक्त के कौन थे? फेवरेट ऐसा नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात उस वक्त ये थी कि हर म्यूजिक डायरेक्टर का अपना अलग स्टाइल था जी। इसीलिए हर आदमी के साथ गाते हुए, मतलब उन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाते हुए हमें एक अलग आनंद मिलता था कि ये इनकी ये स्टाइल है, सलील चौधरी की ये स्टाइल है जी, शंकर जयकिशन का एक अलग स्टाइल है। शंकर जयकिशन साहब के साथ आपने बहुत सारे गाने किए, खासकर राज कपूर साहब की फिल्मों के लिए जी। एक ऐसी फिल्म थी श्री 420 जिसका एक बहुत ही गाना बहुत ही मशहूर हुआ, ईचक दाना बीचक दाना। आइए वो दिखाते हैं आपको, ईचक दाना बीचक दाना।
पीचक दाना पीचक दाना दाने ऊपर दाना पीचक दाना पीचक दाना पीचक दाना दाने ऊपर दाना पीचक दाना छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना पीचक दाना छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना पीचक दाना बोलो क्या दीदी। 50 के बाद आए 60 की दशक जब शायद आपको अपने सबसे बेहतरीन गाने मिले। गाइड, दिल अपना प्रीत पराया, बंदनी, ऐसे कई सारे गाने थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ आपकी आपकी पार्टनरशिप जैसे शुरू हुई। आपने उनके साथ पारस मनी, दोस्त, फर्ज, मिलन, बहुत सारी फिल्में की। किस तरह के मेमोरीज हैं? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मेमोरी तो ये है कि ये छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे घर आते थे जी। वहाँ आके मेरे भाई ने एक छोटा सा ग्रुप तैयार किया था, सुरेल बाल कला केंद्र। इसमें वो लोग बजाया करते थे, मेरा भाई गाता था, मेरी बहन गाती थी और इनके प्रोग्राम होते थे। तो इस वजह से ये बच्चे दोनों मेरे साथ आते थे। पहली मर्तबा मैंने लक्ष्मीकांत और उसके भाई को शंकर जय किशन के यहाँ ले गई मैं, और मैंने कहा कि ये मैंडोलिन बहुत अच्छा बजाता है, इसको आप रखिए। तो वहाँ से मैंडोलिन बजाना शुरू किया उसने, लक्ष्मीकांत ने जी। प्यारेलाल का क्या था, प्यारेलाल बहुत अच्छे म्यूजिशियन का बेटा था जी। और वो वायलिन सीखता था उनसे, पर बहुत छोटा था जी। तो वो हमारे यहाँ कितने छोटे, मतलब आपको यकीन नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चे दोनों आते थे, बैठते थे, खाना साथ खाते थे, मैं कहीं जाऊं तो मेरे साथ आते थे। और जब मैंने एक दिन सुना, मुझे आके कहा कि हम लोग पिक्चर कर रहे हैं जी। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। तो कहने लगे आपको पहला गाना गाना पड़ेगा, मैंने कहा ज़रूर गाऊंगी मैं। तो पहला गाना जब उन्होंने रिकॉर्ड किया तो मुझे अभी तक याद है, 101 रुपए का चेक उन्होंने अपनी तरफ से मुझे ला के दिया और कहा कि हम आपको हमारी तरफ से दे रहे हैं। मतलब एक प्यार था उसमें जी। और इस तरह से वो म्यूजिक डायरेक्टर बने। दीदी 60 के दशक के बारे में बात करें तो एक फिल्म है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है मुगले आजम। ऑफकोर्स वो एक गाना जो आज भी शायद उतना ही लोगों को हॉन्टिंग फीलिंग देता है, लोग कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस गाने को सुनकर, प्यार किया तो डरना क्या। ये कहानी तो बहुत ही लेजेंडरी है, कहते हैं नौशाद साहब ने आपको बाथरूम में वो गाना गवाया, क्या वो सही है बताइए। उस गाने नहीं, बाथरूम में नहीं गवाया वो गाना जब हमने रिकॉर्ड किया तो लास्ट लाइन उनको रिपीट करनी थी, वो एको इफेक्ट के लिए। एको इफेक्ट के लिए, पर एको इफेक्ट तब ऐसा नहीं आता था, बिल्कुल मशीन पे नहीं मिलता था। हाँ, हाँ, मशीन पे नहीं आता था। तो मुझे उन्होंने दूसरे कमरे में खड़ा किया था जी। और वहां से मैंने गाया, फिर थोड़ा नजदीक जाके गाया, मतलब वही सब सर्कस ही चलता रहा, यहाँ से वहां, वहां से वहां, और इस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड। बाथरूम कभी नहीं था? नहीं, बाथरूम का नहीं। आइए देखते हैं वो गाना मुगले आजम से, प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार दीदी। कहते हैं सबसे रोमांटिक फिल्म, हिंदी सिनेमा की सबसे रोमांटिक फिल्म, सबसे रोमांटिक गाना, और आप ही को ये श्रेय मिलता है, ये क्रेडिट मिलता है, क्या आप मानती हैं सबसे रोमांटिक गाना? कौन सा, इसका? जी जी हाँ, जरूर मैं मानती हूँ, और मैं क्रेडिट लेने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। दीदी 1962 में आपने ए मेरे वतन के लोगों रिकॉर्ड किया,
वो एक ट्रिब्यूट था उन सोल्जर्स के लिए जो शहीद हुए इंडो चाइना वॉर में. वो एक ऐसा गीत है, एक ऐसा गाना है जो आज भी आपको शायद आप जहाँ जाती हैं लोग आपको वो गाना रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गाना गाइए. आप हमें पता है कि हमारे हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी वो गाना सुनकर उनके उनके आंखों में आंसू आए. उस गाने के बारे में थोड़ा कुछ बताइए. देखिए मूड तो मतलब उस वक्त खराब ही था सबका ही, मतलब सभी दुखी थे. बहुत प्रोग्राम करने के लिए हम लोग दिल्ली गए थे और दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे जवाहरलाल जी, और इंदिरा जी भी थी और भी मिनिस्टर्स थे. और गाना जब मैंने जाके शुरू किया, मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि ये गाना इतना उनको अच्छा लगेगा. मैंने अपनी तरफ से गाया पर गाना इतना उनको पसंद आएगा कि उनके आँखों में आंसू आ जाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था. मैं गाना गा के अंदर जाके बैठी जी. तो महबूब खान जो डायरेक्टर थे जी, जी. वो उनकी आवाज़ मैंने सुने, अरे लता कहाँ है, लता कहाँ है. तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठी हूँ महबूब साहब. तो कहने लगे चलो चलो, तुमको जवाहरलाल जी बुला रहे हैं. मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहे हैं. कहने लगे चलो तो सही. तो मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे खींच के ले गए और जाके उनके सामने मुझे खड़ा किया. कहने लगे पंडित जी मैं लेके आया हूँ. तो मुझे पंडित जी ने कहा कि बेटा तुमने आज मुझे रुला दिया. और फिर वो बैठे नहीं, उस गाने के बाद वो उठ के चले गए. पर इतना मुझे कहा उन्होंने और फिर कहा कि शाम को घर पे मिलेंगे. उस दिन उनके यहाँ चाय पे सबको बुलाया था. तो मैं गई, मुझे कुछ पता नहीं चला. दूसरे दिन मुझे वापस आना था क्योंकि मेरी बहन की शादी थी 4-5 दिन के बाद. तो मैं जब बॉम्बे आई तो बॉम्बे में तूफान मचा हुआ था कि ऐसा गाना हुआ वैसा दीदी हुआ. प्राइम मिनिस्टर को रुला दिया. हाँ, प्राइम मिनिस्टर को रुला दिया. और बाद में मेरे साथ मजाक ये हुआ कि बाद में ये होने लगा कि मेरे जहाँ जहाँ शोज होते थे तो शो में कोई ना कोई मतलब सरकारी आदमी आते थे और सामने बैठ के रोते थे. तो ये कहा जाता था कि ये भी रोए. तो बहुतों को दीदी ने रुलाया है ऐसे. चलिए आइए एक और सवाल लेते हैं ऑडियंस से. आपकी एक फैन है अलका मर्चेंट. मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि आजकल के जो युवा पीढ़ी नवोदय कलाकार हैं उनको आपसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है. जैसे कि आपकी एक बात मुझे बहुत टच कर गई थी कि कभी भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते समय आप हमेशा बिल्कुल वक्त पर पहुंचना, या जब आप रंगमंच पर आते या रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते तो सदाए आप चप्पल्स को बाहर निकाल के फिर माँ सरस्वती को प्रणाम करके आप आगे बढ़ते थे. तो इन सब बातों से मैं बहुत टची फील हुई हूँ. तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आप युवा नवोदय कलाकार के पेरेंट्स तक ये आदर्श, आपके आदर्श को हम लोग फॉलो करें. बच्चों के माँ बाप को मैं ये कह सकती हूँ कि वो अपने बच्चों को पहले ये सिखाए कि घर में जब सुबह उठते हैं तो अपने माँ बाप को पहले नमस्कार करें और उनकी बातें सुने माने. ये नहीं कि आजकल बूढ़ों को उठा के वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. और ये अगर वो सीखेंगे तो उनको बहुत उसमें तरक्की मिलेगी और उनका अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है. Right, it's time then for another short break. We'll be back in just a moment. हम लता दीदी के साथ फिर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहीं मत जाइए. वेलकम बैक टू आवर स्पेशल शो ऑन इंडियाज़ म्यूजिकल लेजेंड लता मंगेशकर. दीदी,
70 के दशक में, खासकर 70 के दशक के पहले सालों में आपने एसटी बर्मन साहब के साथ काम किया उन गानों पर जो उनके देहांत के पहले जो जिन जिन फिल्मों पर उन्होंने काम किया, जैसे शर्मिली, अभिमान, इस तरह की फिल्में। अब यही नहीं, आपने 1971 में पाकीज़ा फिल्म में काम किया और आपका गाना उस फिल्म का चलते चलते आज भी शायद आपके सबसे बेहतरीन गानों में गिना जाता है, आप मानती हैं वो? बिल्कुल मैं मानती हूँ, चलते चलते बहुत ही अच्छा गाना था, और बल्कि उसमें ठाड़े रही हो बाकी यार, वो भी गाना बहुत अच्छा था। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, वो भी गाना अच्छा था। मौसम है आशिकाना, मतलब उस पिक्चर के सारे गाने अच्छे थे। तो जब आप उस फिल्म पर काम कर रही थी या उन गानों पर काम कर रही थी, क्या आपको पता था कि ये आगे जाके एक बहुत बड़ी हिट होने वाली है? नहीं, मुझे उस फिल्म के लिए वाकई नहीं था, कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो जो फिल्म है इतनी लेट बनी जी, कि पता ही नहीं चल रहा था कि वो बनेगी भी या नहीं बनेगी, उसका म्यूजिक आएगा या नहीं। उसका म्यूजिक जब चला तब मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, और पिक्चर भी बहुत चली, हालांकि पिक्चर भी बहुत अच्छी बनाई थी जी। और पिक्चर चली और म्यूजिक उसका बहुत सुपर हिट हुआ। सभी फिल्में देखती है दीदी, जिन जिन फिल्मों के लिए आपने गाया है? सभी फिल्में तो नहीं देखती हूँ, और देखने लायक भी नहीं है ना सभी फिल्में। अब मैं आपको एक ऐसा गाना दिखाना चाहता हूँ जो मेरी एक पर्सनल गीत है, आप ही का एक गीत है, आर डी बर्मन साहब के साथ आपने ये गाना गाया है, फिल्म है आंधी, मेरी एक पर्सनल फेवरेट गाना है, आइए देखते हैं। तेरे बिना जिंदगी से कोई बहुत ही खूबसूरत गाना दीदी। ये गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मैंने कई शोज में गाया भी है, ये मुझे बहुत पसंद है। आर डी बर्मन वाकई बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर था। दीदी आपने एस डी बर्मन साहब और आर डी बर्मन साहब दोनों के लिए गाया है, बताइए दोनों में से किसने आपको ज्यादा चैलेंजिंग गाने दिए या ज्यादा एक्साइटिंग गाने दिए? वैसे दोनों ने ही दिए, दोनों का ही स्टाइल अलग अलग था, पर दोनों में एक अलग बात नजर आती थी। बर्मन दादा के म्यूजिक में बहुत इंडियन ये रहता था, आरडी के म्यूजिक में थोड़ा सा बाहर का रहता था जी। पर मेरे लिए जो उन्होंने गाने बनाए वो वाकई अलग ही होते थे और अच्छे होते थे जी। दीदी 70 के बाद आई 80 की दशक, और इस दशक में आपने अपने सभी जो पसंदीदा कंपोजर्स थे उनके बच्चों के साथ काम किया। आर डी बर्मन साहब थे, रोशन के लड़के थे राजेश रोशन, आनंद मिलिन थे जो चित्रगुप्त के जी के बेटे थे, अनु मलिक थे सरदार मलिक साहब के बेटे। तो ये एक जैसे उनके लिए एक सेंटिमेंटल, एक इमोशनल जैसे आपने अपने फेवर किया। बिल्कुल, मैं उनके काम में उनको मैं फेवर करती रही हूँ, जब भी मतलब वो बुलाते थे तो मैं जाती थी, कभी मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं आऊँगी। मैं कोशिश करती थी कि उनके गाने अच्छे हो, उनका नाम हो, और मेरी तरफ से अगर हो सका तो कोई सजेशन भी देती थी कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो जी। मैं कोशिश ये करती थी कि इनका भी नाम हो जी। 80 के दशक में दीदी आपने राम लक्ष्मण जी के लिए गाया फिल्म मैंने प्यार किया, राजश्री प्रोडक्शन की पिक्चर थी, बहुत ही सफल फिल्म थी, बहुत ही बढ़िया साउंड ट्रैक था। आइए उस फिल्म का एक बहुत ही हिट गाना देखते हैं, आइए देखते हैं। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है
बहुत ही पॉपुलर गीत दीदी और बहुत ही अच्छा था जी, बहुत ही स्वीट गाना था जी। और मेरा ख्याल मैंने पहला गाना यही किया था उनका, देखा राम लक्ष्मण जी के लिए, ऐसा मुझे लगता है, याद नहीं ठीक से, पर शायद ये पहला था गाना। उसके बाद आपने उनके साथ बहुत सारा काम किया, बहुत सारा काम किया और दोनों फिल्में उनकी चली भी बिल्कुल, हम आपके हैं कौन जी, हाँ जी, जी कोई शक नहीं उसमें। चलो ऑन दैट नोट वी गोइंग टू टेक अनदर शॉर्ट ब्रेक, दीदी हमारे साथ हैं, दीदी के साथ हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू आर स्पेशल शो ऑन द लाइफ एंड करियर ऑफ इंडियन म्यूजिक्स लिविंग लेजेंड लता मंगेशकर। दीदी 90 के दशक में आपने ज़्यादातर अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए काम किया, यश चोपड़ा साहब के लिए काम किया बहुत सारा, लम्हे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डर, उनकी प्रोडक्शन की सभी फिल्मों में, सभी फिल्मों में मैंने यश चोपड़ा साहब को आप कभी ना नहीं कर सकते जी, नहीं उनके मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और वो मुझे दीदी कहते हैं और समझे बिल्कुल भाई बहन का हमारा रिश्ता है और मैं उनको कभी ना नहीं कर सकती हूँ। जब उनके बेटे आदित्य चोपड़ा निर्देशक बन रहे थे तो जो फिल्म का जो थीम सॉन्ग था वो बहुत केयर थे कि अगर थीम सॉन्ग है तो बस लता मंगेशकर गाएंगी हमारे लिए जी। वो गाना ऑफ कोर्स बहुत ही पॉपुलर हुआ, वो फिल्म भी बहुत बहुत बड़ी हिट हुई, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आइए देखते हैं उस फिल्म का वही गाना जो शायद सबसे पॉपुलर रहा, आइए देखते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम। बहुत लोग सरप्राइज हुए कि काजोल के लिए दीदी गा सकती हैं, दीदी इतने सालों से गा रही हैं काजोल के लिए गाया, दीदी क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई आपके पास गाना लेकर आया और आपने कहा है कि ये मैं नहीं गा सकती, कभी किया है कि ये मैं नहीं गा सकती? ऐसे पहले बहुत हुआ है। अच्छा, मतलब ये रॉक एंड रोल वगैरह गाने आते थे या कोई कैबरे सॉन्ग आता था तो मैं कह देती थी कि मैं नहीं गाऊंगी, नहीं गाऊंगी, ऐसा होता था जी। पर बहुत पहले, फिर बाद में लोगों को मालूम हुआ कि मैं गाती नहीं हूँ तो लोगों ने मुझे फिर ऐसे गाने देने बंद कर दिए जी। वो उसके लिए फिर वो किसी और को बुलाते थे जी। 90 के दशक में दीदी आपने आर डी बर्मन की जो आखिरी फिल्म थी 1942 लव स्टोरी, उस फिल्म में आपने अपनी आवाज दी, एक बहुत ही खूबसूरत गाना था कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, बताइए क्या वो गाना, क्या वो उस फिल्म पर काम करना आपके लिए एक बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि और वो फिल्म भी उनके देहांत के बाद रिलीज हुई? नहीं, और सबसे मुझे दुख इस बात का हुआ कि पहले आरडी मेरे पास आए और आरडी ने मुझे कहा कि दीदी एक गाना करना है, ये गाना पिक्चर में वो हीरोइन गाएगी नहीं, बैकग्राउंड सॉन्ग है और मेरी इच्छा है कि आप गाएं, तो मैंने कहा मैं ज़रूर गाऊंगी। उसके बाद मैं अमेरिका चली गई, मेरे शोज थे, मैं वापस आई तो मुझे आरडी का फ़ोन आया कि वो गाना आप कब गा रही हैं, मैंने कहा मैं गाऊंगी, मैं ज़रूर जाके आती हूँ, मुझे दिल्ली ज़रा जाना है, मैं दिल्ली से आके गाना रिकॉर्ड करूँगी। और मैं दिल्ली गई और मेरे पीछे उनकी डेथ हुई यहाँ पर, तो मुझे इसका बड़ा दुख रहा कि मैं उनके सामने गा नहीं सकी, ये मुझे बहुत अफसोस रहा इस बात का। और उनके जाने के बाद फिर वो गाना हमने रिकॉर्ड किया, तो जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे थे तो वाकई मतलब उसके बोल भी ऐसे थे कि मेरी आंखों में पानी आ गया, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। दीदी 90 के दशक में आपने काफ़ी काम जैसे कट कर दिया, बहुत बहुत ही कम काम करना शुरू किया, क्या इस वजह से, क्योंकि आप थक गई थी या दूसरों को चांस देना था? नहीं, मैं थक तो नहीं गई हूं, पर मुझे ऐसा लगने लगा था कि कुछ म्यूजिक
वैसा नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, अभी भी लगता है। फिल्मों में अभी गाने आते हैं वो डुएट्स आते हैं, या कोई ऐसा गाना आता है कि दोनों हीरो हीरोइन गा रहे हैं, पीछे अचानक 150 लड़कियां और लड़के डांस कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कुछ गाने आने लगे हैं कि मेरा मन नहीं करता था तो मैंने बंद किया। 90 के दशक में दीदी आपने ए आर रहमान के साथ काम किया, जी हाँ, दिल से, जी हाँ, लगान, 1, 2 का 4, ये सभी फिल्में 90 के दशक में रिलीज हुई। बताइए ए आर रहमान किस तरह के कंपोजर हैं? वो एक नई पीढ़ी के कंपोजर हैं, उनका उनके वो कंप्यूटर पे गाने बनाते हैं, आप एडजस्ट हो गई? बिल्कुल, उनका उनके साथ काम करना एक बहुत ही मतलब अलग ही अनुभव होता है। मैं जब भी उनके यहाँ गई हूँ तो वो खुद लेके बैठते हैं साज और मुझे कहते हैं कि आप गाइए, मुझे और मुझे कहते हैं कि आप जो इच्छा हो गाइए, आप आलाप गाइए, आप क्लासिकल गाइए, कुछ भी गाइए, और वो सारा रिकॉर्ड करते हैं। पहले रिहर्सल से वो रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं और बाद में जाके वो गाना इस तरह वो एडिट करते हैं, और एडिट करके जब वो गाना बनता है तो गाना बहुत अच्छा बनता है। जी चलिए आइए देखते हैं ए आर रहमान साहब का क्या कहना है दीदी के बारे में। I didn't discover her first because I was from the south, but my mother used to tell that when her father was alive, he used to have a photograph of Lataji wearing a white sari and he would have it in front of him, and he wakes used to wake up with seeing her face every day, and that's really gives goosebumps to me how my father treated her with respect. And so when I opened my studio in Chennai, I want her to come and, you know, sing the first song. And she obliged me, she came all the way from Bombay, and in fact the first song was Luka Chupi, which she recorded in AM Studios. I think if music in India had a shape, it would be probably the shape of Lataji. I could say that in a way actually, and I have so much of respect for her. क्या खूबसूरत शब्द उन्होंने कहा, if music in India had a shape, that shape would be Lata Mangeshkar. अरे बाप रे। आइए एक सवाल लेते हैं ऑडियंस से। प्रमोद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आजकल तो फिल्मों में आप बहुत ज़्यादा नहीं गाती है, लेकिन आपके गैर फिल्मी गीत भी काफ़ी पहले थे लेकिन आजकल नहीं है, वो हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते थे फिल्मों से भी ज़्यादा। नहीं, गैर फिल्मी मैंने बीच में 2 साल पहले गाया था मराठी का मैत्र जीवा से, तो आजकल मराठी लोग सुनते नहीं ज़्यादा, तो इतना वो चला नहीं जितना हमने सोचा था। और उसके बाद अभी मैंने गज़लों का रिकॉर्ड किया है सादगी, तो मैं तो कर रही हूँ और आगे भी करने वाली हूँ। और एक रिकॉर्ड हम एक ऐसा बना रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी 4 सिंगर हैं और हिंदुस्तान के 4 सिंगर ऐसे मिलके इंडो पाक, मतलब ऐसा एक रिकॉर्ड हम बना रहे हैं जिसमें मैं 1-2 गाने गाऊंगी और बाकी सिंगर सब 1-2 गाने गाएंगे, तो देखें कैसा होता है, आपकी शायद इच्छा पूरी हो जाए। Let's take another short break at this point. इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दीदी की नए एल्बम के बारे में, एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू आर स्पेशल शो विद द वन द ओनली लता मंगेशकर। दीदी, 21वीं सदी के संगीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या ख्याल हैं? मेरे विचार तो मैंने आपको बताया कि अच्छा है जी, पर जैसे पहला था वैसे नहीं है। 17 साल के बाद आपने अपनी प्राइवेट एल्बम रिलीज की है सादगी नाम की, बताइए 17 साल क्यों लगे नई एल्बम रिलीज करने में? 17 साल इसलिए लगे कि बीच में मैंने एल्बम तो बनाए थे, मुझे ऐसा लगता था कि 17 साल पहले मैंने
जगजीत सिंह जी का रिकॉर्ड बनाया था। उससे पहले मैंने रिकॉर्ड किया था गालिब जी, मेरे भाई ने म्यूजिक किया था। गालिब के बाद जगजीत जी का सजदा आया जी। सजदा के बाद लोगों में गजल सुनना कुछ कम हो गया। पहली बात तो ये हुई कि जो युवा पीढ़ी है वो गजल अब समझती नहीं, बहुत मॉडर्न सब उनको चाहिए। तो मॉडर्न इसमें गजल, उर्दू आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो बीच में ऐसा हो गया था कि साकी प्याला लाओ और ये शराब दे दो, इस टाइप के सब गाने चलने लगे थे। तो मैंने सोचा कि ऐसे वक्त पे मुझे करना नहीं चाहिए, तो मैंने गजल की नहीं। बीच में मैंने अटल जी का एक एल्बम बनाया था और उसके बाद मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा बहुत दिन हो गए अब गजल बनानी चाहिए, और इसीलिए मैंने ये गजल रिकॉर्ड। और नाम भी तो क्या नाम, सादगी। जी हाँ, सादगी नाम रखा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एस मेरे लिए लकी है जी। श्रद्धांजलि मैंने बनाया था जी, उसके बाद सजदा बनाया, तो इसीलिए सादगी, सादगी इस बार रिकॉर्ड का नाम रखा। आइए देखते हैं इसी नए एल्बम का एक बहुत ही खूबसूरत गीत, सादगी से ये गीत। बहुत कम लोग जानते हैं कि भजन, गजल, हिंदी फिल्म म्यूजिक के अलावा भी आपके बहुत बहुत अलग-अलग किस्म के टेस्ट हैं। वेस्टर्न पॉप म्यूजिक आपको बहुत पसंद है, ब्रायन एडम्स आपके फेवरेट हैं, नैट किंग कोल आपके फेवरेट हैं। नैट किंग कोल मेरे बहुत पसंद के सिंगर थे, मतलब उनके गाने में, मतलब एक एक गाना मेरे घर में सब है उनके, और मुझे बहुत पसंद है। बीटल्स के तो फैन आप रही हैं। मैं बीटल्स की भी फैन रही हूँ, मुझे बीटल्स के, पर बीटल के अलावा फिर दूसरे जो आए उनकी मैं फैन नहीं हूँ। कोई शो आपके साथ खत्म हम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको दो लाइन गाने के लिए हम नहीं रिक्वेस्ट करें। अब इतनी बड़ी रेपर्टवार है आपकी, इतने सारे गाने आपने गाए हैं, दो लाइन एक ऐसे गीत के शायद जो आप समझती हैं कि इस 60th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत ही सही होगा, बहुत ही अप्रोप्रिएट होगा। पर दो ही लाइन, चलिए दो ही लाइन और इसी शर्त पे कि सब ऑडियंस मेरे साथ गाए। गाएंगे ऑडियंस? चलिए ये तैयार है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप हमारे शो में शामिल हुई, हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए लता मंगेशकर के साथ इस स्पेशल शो में बस इतना ही, आप देखते रहिए IBN 7।